खबर जनपद श्रावस्ती से है, जहां पर बिना प्रचार प्रसार के लगे दीपावली मेले में फैला सन्नाटा। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश सरकार के निर्देश पर गुरुवार से श्रावस्ती जनपद मुख्यालय भिनगा नगर के जूनियर हाई स्कूल में 3 दिवसीय दीपोत्सव मेले का श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे व डीएम नेहा प्रकाश ने गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीप ज्वलित कर मेले का शुभारम्भ किया। मेले में पहले दिन आए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रौनक दिखाई दी, लेकिन दूसरे दिन मेले में सन्नाटा पसरा रहा। जी हां, आपको बता दें, श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिनगा के जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय दीपोत्सव मेले में दूसरे दिन काफ़ी सन्नाटा रहा, जिसे देखकर मेले में आए जिला पंचायत सदस्य हरीश गांधी ने कहा कि सिर्फ अधिकारियों को दिखाने के लिए मेला लगाया गया था। डीएम और विधायक के जाने के बाद सभी स्टॉल खाली पड़े हैं, सिर्फ पंडाल लगाने से मेला नहीं होता। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से उन्हें भी इस भव्य मेले की जानकारी मिली थी और मेले में आए तो देखा कि यहाँ जो भी स्टॉल हैं सब खाली पड़े हैं। इस मेले में कोई रौनक नहीं है, क्योंकि बिना आवश्यकता व प्रचार प्रसार के मेले लगाने वाले इस भव्य मेले में दीपोत्सव पूर्व से संबंधित कोई भी स्टॉल भी नहीं है, जिसके चलते मेला बिल्कुल फीका है। प्रशासन की मानसा सिर्फ खाना पूर्ति थी, जिसकी झलक साफ मेले में देखने को मिल रही है। कब से दुकान लगाई है? वो कल ही से। अच्छा, कितने का बिक्री हुआ था कल? कल तो बाबूजी 45 रुपये का भरा। आज कितना हुआ? आज कुछ नहीं है। आज बिक्री नहीं हुई है? 20 रुपये केवल दुकान है। अच्छा ठीक, क्या लगाती हैं? जैसे वो है, लैया है और गट्टा है और तो चना है, बतासा है। मतलब कस्टमर आते नहीं है? नहीं। आपने किस चीज़ की दुकान लगाई है यहाँ पर? गुलाब जल का। तो ये कैसे बनाते हैं आप लोग? पानी डालते तो पानी अलग गिरता है, गुलाब जल अलग गिरता है, उसमें डाल के। अच्छा, घर पे बनाते हैं। कब से दुकान आपके लगी है? हमारी कल से। अच्छा, कितने की बिक्री हुई थी कल? कल 7 ठो बिक्री हुई थी। आज एक भी नहीं बिका है गुलाब। आज आप मेले में आए हैं, आपने खरीदारी की है, किन किन चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी हैं? स्टॉल क्या, कल हमने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, वैसे 4 दिन पहले से पता था कि दीपोत्सव का महोत्सव के उपलक्ष्य में दीपावली मेला लगने वाला है, तो हम 40-50 किलोमीटर चल कर आए थे कि कोई भव्य मेला वहाँ आयोजन होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ अधिकारियों को दिखाने के लिए मेला लगवाया गया था। जो कल शायद डीएम साहब चले गए, विधायक जी चले गए, उसके बाद सारे स्टॉल आपको नजर आ रहे होंगे कि सब खाली पड़े हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जितना सरकारी खर्च हुआ होगा वो तो सरकार खुद भर रही होगी, लेकिन इसमें मेले में क्या है वो खुद दिखाई पड़ रहा है। यहाँ 2 रुपये का ना कोई सामान लेने वाला है और सारे स्टॉल खाली पड़े हैं, सिर्फ एक स्टॉल, 2 स्टॉल लगे हैं जहाँ पे कुछ मिल रहा है। वो वास्तविकता बताएंगे कि कितने की बिक्री वो कर रहे हैं इन स्टॉलों पर। और एक स्टॉल लगा है जो शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा विभाग जो अपना लोगों को, बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं ड्रेस के बारे में, किताब के बारे में, वो एक स्टॉल लगा है। बाकी और कोई स्टॉल यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ 2-3 स्टॉलें दिख रही हैं, उन्होंने कहा आज हमारी बोनी ही नहीं हुई है। वही स्थिति है यहाँ, मेला जैसे सिर्फ वैसे पंडाल लगा देने से मेला थोड़ा ही, मेला देहात में उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मेले लगने से पहले गांव की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के हिसाब से जब मेले में साधन उपलब्ध होंगे वो चीज़ यहाँ पर आदमी, क्योंकि दीपावली चल रही है, लाइट होते, झालर होते, दिया होती, मोमबत्ती होती, जिसकी बिक्री होनी थी वो चीज़ें बिकती। यहाँ हाईफाई चीज़ें ले लाकर रख देने से कोई मेला थोड़े हो जाएगा, ये तो बस दिखावटी हो गया। शासन ने आदेश किया और अधिकारियों ने उसको खानी पूर्ति कर दी।